जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत हमारे खास कार्यक्रम में। आज उपस्थित हुए हैं, आज 6 अप्रैल से जो गुरु का राशि परिवर्तन होने वाला है, तो मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। हर किसी को चिंता होती है कि गुरु का और शनि का और राहु का परिवर्तन जब होता है, जब जब भी होता है, तब व्यक्ति बड़ी खुशी होती है। हमारे पास ऐसे कमेंट आते हैं, गुरु जी राहु और गुरु या शनि जिसका भी होता है, तो गुरु का परिवर्तन होने वाला है 6 अप्रैल को। गुरु कुंभ राशि में जाएंगे, नीच राशि छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। ये रहेंगे 15 सितंबर तक। ये कहीं ना कहीं जीवन में कितना अच्छा आपके परिणाम हो सकता हम बताना चाहते हैं। मकर राशि में वैसे गुरु नीच के होते हैं, तो मकर राशि के स्वामी शनि होते हैं। शनि और गुरु का संबंध ये होता है कि मंत्री और जज का, जज शनि है, मंत्री गुरु है, तो ऐसी कंडीशन में पराशर का मत है कि सम होते हैं, शत्रु भी होते हैं। तो मकर राशि के लिए शनि की 5.5 भी है, तो इस कंडीशन में आप जो चीज़ सोच रहे हैं वो सारे काम विलंब से होते हैं और लास्ट में आपके खराब हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में आपके लिए पराक्रमेश होते हैं और व्ययेश होते हैं गुरु। तो आप पराक्रम से जो ताकत लगाते हैं, तो मतलब तृतीयेश और द्वादशेश होकर आप जो मेहनत करना चाहते हैं उसमें सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि अब जो है गुरु का आगमन हुआ है कुंभ राशि में, तो आपके लिए कुटुंब के लिए, धन के लिए, अपने दोस्तों के लिए जो चीज़ें आप नहीं कर पा रहे थे, झूठे साबित हो जा रहे थे, अब ऐसा नहीं होगा। गुरु का परिवर्तन कुंभ राशि में 6 अप्रैल के बाद होने जा रहा है मकर राशि वालों के लिए, वो कहीं ना कहीं आपके लिए अध्ययन तरीके से बहुत अच्छा है। और आपके जो काम विलम्ब होते हैं, कमर में दर्द रहता है, घुटनों में दिक्कत रहती है, सिर में दर्द रहता है, रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है, वो कहीं ना कहीं अब गुरु का गोचर होने से आपको अच्छी सफलता मिलेगी। क्योंकि मकर में क्या होता है कि एक न्यायाधीश भी हैं, शनि जज भी होते हैं, तो धीमे धीमे सफलता मिलती है। आप न्याय पर चलेंगे, तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप पार पा जाएंगे। यदि आप कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, किसी की बातों में भटक जाते हैं, तो आप वहाँ फेल हो जाओगे। जितना आप गुरु का आराधना और शनि की आराधना करेंगे हनुमान जी की, उतनी आप सफल व्यापारी बनेंगे। यदि आप नौकरी करते हैं, नौकरी आपको लाभ नहीं मिल रहा, इसके लिए आपको जो है एक लीला व्रत धारण करना है, जिससे आपको नौकरी में, हेल्थ में और व्यापार में सफलता मिलेगी। दूसरा, आज जो विद्यार्थी हैं उनके लिए पराक्रम में, परिवार के लिए, जो अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए कुछ सोचा है, कुछ फिर बदलना चाहते हैं, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। दूसरा, आपके लिए धर्म कर्म में आपका खर्च होगा, व्यय होगा, ऐसा करने से आपको और धन आएगा, इसलिए आप इन कामों में करने में माहिर रहना, आगे बढ़ना, पीछे मत रुकना। क्योंकि जब पीछे रुकेंगे तो आपका धन का आना भी थोड़ा सा कम हो सकता है। जितना आप धर्म करेंगे, शत्रुगुणी रहेंगे, जीवन जिएंगे, उतना आपको सफलता मिलेगी। गुरु जो है धन के कारक होते हैं, संतान के कारक होते हैं, पद प्रतिष्ठा के कारक होते हैं, और गुरु जो है ना एक पेट की दिक्कत परेशानी है जो आपको, वो भी खत्म हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में नीला व्रत धारण करें। और गुरु यदि आपकी कुंडली में थोड़ा सा अशुभ भाव विराजमान है या कुछ नीच राशि विराजमान, उसके लिए आपको उपाय करना है। गुरुवार के दिन किसी वैदिक ब्राह्मण को बुला बुजुर्ग हो, उसको जो है आप जीवन में सबसे पहले ये सम्मान करें कि मीठा भोजन कराएं, पीला गमछा ओढ़ाएं, उनको तिलक करें हल्दी से, उनका पीले चंदन से हल्दी से उनके पैर छुएं, उनको सम्मान से विदा करें। ऐसा करने से गुरु आपका बलिष्ठ होगा। कोई काम करने से पहले आप बताते हैं, वो काम नहीं होता है। जितना आध्यात्मिक में आप रहेंगे उतना पसंद रहेंगे। और जो आपके परिवार से पत्नी पति में मतभेद चल रहा है, दोस्तों से चल रहा है, पिता से चल रहा है, उस कंडीशन में भी आपको कहने के 6 अप्रैल के बाद सफलता मिलेगी, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं है। बाकी हर किसी की 2 राशि होती है, एक जन्म की, एक प्यार का नाम होता है, जड़ से ही पेड़ होता है, ज्योतिष शास्त्र इसका नियत होता है, तो विज्ञान से आगे होता है। तो जो भी कुंडली का पहले विश्लेषण कराएं, शादी के लिए, मैरिज के लिए या अपने व्यापार के लिए, तब उस हद तक पहुंचे तब आपको सफलता मिलेगी। बिना विचारे को यदि आप काम करते हैं तो पीछे आपको पछताना पड़ेगा, इसलिए पहले कुंडली का निःशुल्क परामर्श हमारे संस्थान से कराएं, तब आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि आप जो जो काम करते हैं आपको सफलता नहीं मिलती, तो आप निराश हो जाते हैं, एकांत बैठ जाते हैं और आपको पूर्ण रूप से एक शोक में चले जाते हैं। तो गुरु क्या है, सत्वगुणी है। गुरु कुंभ राशि में जाने के बाद और मकर राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं शुभ संकेत दिखाई दे रहा है, समफल मिलेगा, अच्छा भी नहीं तो ज़्यादा बुरा भी नहीं। इसलिए कभी भी कोई काम करें, पूरा करें, विश्वास से करें और निश्चित तरीके से करें, ईमानदारी के साथ करें, आपको सफलता मिलेगी। ब्राह्मणों का सम्मान करें, बुजुर्ग वर्ग का सम्मान करें, उससे भी आपका गुरु और शनि दोनों ही आपके बलिष्ठ हो सकते हैं। मकर में क्या होता है कि आपके जितने काम विलम्ब से होते हैं उतना कई गुना आप यही चले जाते हैं।
लेकिन अंत भला सब भला। शनि की जो धीमी गति है वो कहीं ना कहीं आपके वरदान साबित बनेगी, इसलिए अपना ध्यान रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे भेजें। जय माता दी।